इंदौर के सुभाष चौक स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चिकित्सक की वेशभूषा पहनाना हिंदूवादी संगठनों को रास नहीं आया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंदिर पहुंचकर विरोध जताया। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आखिर क्यों हनुमान जी के विशेष श्रृंगार पर ये विरोध हुआ, आप भी देखिए। ये तस्वीरें हैं इंदौर के चौक स्थित हनुमान मंदिर की। दरअसल मंदिर में विराजित हनुमान प्रतिमा को चिकित्सक के रूप में श्रृंगारित किया गया, लेकिन हिंदूवादी संगठन से जुड़े सदस्य विरोध जताते हुए मंदिर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कोरोना काल में डॉक्टर्स ने अपने पेशे से न्याय नहीं किया है, ऐसे में भगवान को इस तरह से श्रृंगारित करना उचित नहीं है। भैया अभी कल से रिपोर्ट चल रही थी और मुझे जानकारी भी मिली यहाँ पे स्थानीय लोगों से कि यहाँ पे बाबा का जो दरबार है यहाँ पर डॉक्टर की पोशाक वगैरह इन्होंने पहना रखी है और ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म पर से हमें ठेस पहुँची है। हम लोगों ने पंडित जी को आवेदन दिया कि पंडित जी आपसे निवेदन है कि ये जो ड्रेस आपने पहना रखी है ये ड्रेस चेंज करी जाए। पंडित जी ने बताया कि मुझे सपना आया था, तो पंडित जी ने खैर कोई दिक्कत नहीं, सपना आया था आपने कर दी, परंतु इसको ड्रेस को हटाया जाए क्योंकि अगर अभी हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो अगली बार और भी कोई माता जी को भी मेरे पहना देगा, अन्य भगवान और भी है, तो हम लोग इस चीज़ का विरोध करने आए थे कि हमारे देवी देवता का हम अपमान नहीं सही करेंगे। अगर आगे से और भी इस प्रकार की हरकत करता है तो हम हमारे शिवसेना से हमारे वही परमजीत मेकन और मैं वैष्णो देवी वन मंडल से और मैं पूर्व जिला संगठन मंत्री हम लोग मुँह तोड़ हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। कई लोग सहमत भी है कि डॉक्टर भगवान का रूप माना गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया डॉक्टर का रूप है भगवान मैं मानता हूँ, परंतु 100 में से 30% आज इंदौर शहर में क्या हो रही है आपको मालूम है। मैं इंदौर में हर डॉक्टर हर हॉस्पिटल में जाता हूँ मैं, भैया 5-5 लाख 7-7 लाख लोग मकान जेवरात जमीन बेच देते और हॉस्पिटल में भर्ती करा देते, मर जाता ना तो 50,000 रुपये लिए डेड बॉडी लगा लेते हैं। अरे ये भगवान का रूप है तुम भैया। मेरी मामी सास मेरे मामा ससुर को इंदौर में भर्ती थे हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैंने डॉक्टर को बोला कि साहब मेरे को मिलने आना, तो उन्होंने मतलब सब कुछ चार्ज करने आया, मैं किट के पैसे भी लिए उनने। ये कोई तरीका है क्या भैया? अरे थोड़े बहुत दया करो, दया भाव तो कराओ आप। मैं तो अपन 100 में से 30% डॉक्टर है भगवान का रूप, बाकी 70 तो शैतान का रूप है क्योंकि ज़्यादा दया धर्म नहीं करते साहब। आप मानोगे एक एक डॉक्टर वाला 1,000 रुपये फीस लेता है इंदौर की। अभी कोरोना काल में मेरे को कोई इंदौर में डॉक्टर बता दे कि भैया मेरी तब से 5 लाख रुपये दिए मैंने सहायता के लिए, कोई नहीं। सब अभी आप डॉक्टर का लाइन लगी 1,000 रुपये ले रहा है टोकन। भैया सहमति वगैरह बन गई, हमारी पंडित जी सहमति बन गई है। पंडित जी ने आदरणीय टीआई साहब के माध्यम से और पंडित जी ने कहा कि ठीक है हम जो बस थे चेंज कर देते हैं। धर्मेंद्र जोशी, माँ वैष्णो देवी भक्त मंडल, शिवसेना, पूर्व जिला संगठन मंत्री। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के चलते मौके पर तनाव के हालात भी बन गए, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि मंदिर के पुजारी का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर आधारित है, उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है। मंदिर के पुजारी ने इस तरह के प्रदर्शन को भी गलत ठहराया। मंदिर में और हिंदू धर्म में मकसद कभी किसी का अपमान करना नहीं, हमेशा अच्छी भावनाओं का रहा है। डॉक्टर का वेश जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा तब राम जी ने रामायण में खुद कहा, अगर ओरिजिनल हिंदू रामायण जी जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने खुद ने अपने मुँह से कहा कि आज तूने मेरे लिए वैद्य का काम करा है, ठीक है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये हनुमान चालीसा में। तो ये भावना ये थी कि हनुमान जी आज सारे भारत ही नहीं पूरे विश्व के, तो जो छोटा भाई जीतू जिन्होंने श्रृंगार करा है उन्होंने पृथ्वी हाथ में दी है कि मेरे भारत ही नहीं अपूर्ण पूरे विश्व में ये महामारी फैली, वहाँ आप डॉक्टर बनकर आओ और इस महामारी को नष्ट करो, भावना ये थी। विवाद का नाता ऐसा रहा है कि जिन्हें अपनी राजनीति जहाँ चमकाना है विवाद करना है विवाद करें, हमारी भावना किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं है। मंदिर में सालों से सब मंदिरों में पुजारी का पेट भी लगा रहता है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों का भी पेट लगा रहता है। इस मंदिर के अलावा इंदौर में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी मंदिर की सेवा है, सब मंदिरों में श्रृंगार भी होता है, सेवाएं भी होती है, शुद्ध घी तेल घी सालों से सेवाएं हो रही है। सेवाएं होने के साथ साथ वहाँ पर खर्चे भी लगे हुए हैं, 8 या 9 महीनों से मंदिरों के पट बंद हैं,
जब कोई संगठन आगे नहीं आता साहब, जिनको सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर फालतू बातें कर राजनीति करना है, वो लोग ऐसी भावनाओं को फैलाते हैं और मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे शहर का नाम बदनाम और अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है डॉक्टर भगवान का रूप, लेकिन कई डॉक्टर इस समय आपदा में अवसर खोज रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इस कारण भी थोड़ा विरोध जताया जा रहा है। सब कई लोगों ने कई जैसे आश्रम जैसी फिल्म बनी, कई जो बड़े बड़े संत हैं जिनको बदनाम किया गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि नागा साधु या जो दूसरे संत ओरिजिनल मेरे संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो सब बुरे हो गए। अरे साहब जो गलत है वो गलत है, मेरी भावना अच्छे डॉक्टरों को बनाने की है, वो अच्छे डॉक्टर बना कर यहाँ सेवा करें। अभी किस तरह की समिति बनी, थाना प्रभारी भी आए थे, थाना प्रभारी बोला कि आपकी सेवा अच्छी रही, आप करिए, लोगों ने इसको बड़ा प्रोत्साहित करा है। और डॉक्टर है साहब, ये हनुमान जी डॉक्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर ही हनुमान जी, और दुनिया के सबसे बड़े पहलवान भी हनुमान जी हैं। आप जाइए किसी अखाड़े में, जिम में, तो हनुमान जी की तस्वीर मिलेगी। आप देखिए हनुमान जी की, अगर कहीं व्यवस्थित ओरिजिनल हिंदू डॉक्टर होगा तो हनुमान जी का पहाड़ लेते हुए फोटो दिखाएगा आपको, अष्ट सिद्धिनौ नदी के दाता, ये सब चीज़ें हैं। जो हिंदू होगा वो इसका विरोध नहीं करेगा, बाकी जो विरोध करे उसकी जय जय सियाराम। दरअसल हनुमान मंदिर पुजारी द्वारा मंगलवार को संकट मोचन का खास श्रृंगार कर उन्हें डॉक्टर की पोशाक पहनाई गई थी, जिसमें हाथों में पृथ्वी का गोलार्ध थमाकर बजरंगबली से सृष्टि की रक्षा करने की कामना की गई थी। हालांकि संकट मोचन का यह अवतार उनके भक्तों को पसंद नहीं आया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।